कलाई पर यह धागा लपेट कर ले लेना उसका नाम। जी हां मित्रों, एक ऐसा उपाय, एक ऐसा टोटका जो दो लोगों के बीच, दो लोगों के मध्य खराब से खराब, बुरे से बुरे संबंध को सुधार देता है। अगर दो लोगों के बीच संबंध इस प्रकार के हो गए कि दरार पड़ गई है, कोई रूठ कर जा रहा है, नाराज है, बातचीत भी बंद है, या कोई किसी और के आकर्षण में जा रहा है, आपको छोड़ रहा है, भूल रहा है, आपकी परवाह नहीं करता, आपकी आपस में बनती नहीं है, ये धागे से होने वाला एक सरल सा उपाय आज हम आपको बताएंगे, जिसे आप कर लें, आपका संबंध, आपका रिश्ता पहले से भी अधिक खूबसूरत हो जाएगा। जैसे वो आपको पहले चाहता था, प्यार करता था, वैसे ही फिर से करने लगेगा। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी के लिए भी। मित्रों, ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि जब इसे आप करेंगे, आपको पहले दिन से ही इसका असर, इसका प्रभाव दिखने लग जाएगा। आज आपने ये उपाय किया, आज ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आप खुद समझ जाएंगे कि मेरा रिलेशन ठीक हो रहा है। वो इंसान आपसे इधर उधर कहीं से भी संपर्क करेगा, कॉल बंद है तो किसी और तरीके से करेगा, 10 रास्ते बनाएगा, लेकिन आप तक जरूर पहुंचेगा और अपने सभी गिले शिकवे, नाराजगियां करेगा दूर। इस शक्तिशाली उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन ये उपाय किया जा सकता है। उपाय को स्नान के पश्चात करें, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी करें, इस उपाय से पहले स्नान अवश्य करें और उसके बाद ही इस उपाय को करें, यानी पूर्ण स्वच्छ हो जाए। उपाय को जब करने बैठेंगे, आपने अपने साथ या तो लाल रंग का डोरा या धागा लेना है, बहुत अधिक मोटा नहीं, और या फिर आप जो कलावा होता है, मूली, रक्षा सूत्र जो होता है, वो ले सकते हैं। वीडियो में समझाने के लिए दिखाया हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इतना ही लेना है कि आपकी कलाई पर वो 3 बार घूम जाए, या धागा कर ले रहे हैं या डोरा ले रहे हैं, कलावा ले रहे हैं, गोला ले लें, उसको लपेटा 3 बार, तोड़ सकते हैं या काट सकते हैं। इस पर आपने एक गांठ लगा देंगे, इसे आप बंधे रहने देंगे। क्या करना है आपने उपाय के लिए? आप बैठ गए, जब आप बैठेंगे, अपनी जो दिशा होगी वह पूर्व की रखेंगे, ईस्ट की ओर मुख करके आपने बैठना है। आपने कलावा लिया, अपने उल्टे हाथ की कलाई पर लपेट लें 3 बार और तोड़ दें, उसे हल्की सी गांठ लगा दें। अब आपने क्या किया, जहां पर भी आप बैठे हैं, जिस भी आसन कपड़े पर आप बैठे हैं, उस आसन कपड़े को अपने सीधे हाथ से पकड़ लें, यानी उसको, उसका कोई भी कोना आगे की तरफ से पकड़ लें, और जो आपका उल्टा हाथ है, यानी जिस हाथ पर आपने, लेफ्ट हैंड पर जिस पर आपने कलाई पर धागा लपेटा है, उससे इसे, हाथ को अपने छू लें कहीं भी, और उसके बाद आंखें बंद करके उस व्यक्ति को, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, उसे स्मरण करें, सोचें, उसको 10 सेकंड, 15 सेकंड ठीक प्रकार से सोचें। जब वो आपकी मन में, आपके अंतर्मन में आपको दिखाई देने लग जाए, उसकी तस्वीर आपकी आंखों के सामने आने लग जाए, तब आपने इस शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण कर लेना है। ओम हूं अमुक त्रुट त्रुट कुरे वश्या। अमुक के स्थान पर आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है, साथ में आप अपना नाम भी लेंगे, पहले उसका नाम फिर अपना, चाहे वो पुरुष है, स्त्री है, कोई भी किसी के लिए कर सकता है, लेकिन जो नाम लेंगे, जिसके लिए कर रहे हैं, उसका नाम पहले रहेगा, और जो नाम लेंगे वो पुकारा जाने वाला नाम पहले लेना है, उसके बाद आप अपना भी पुकारे जाने वाला नाम ही लेंगे, यानी पहला ही नाम। ये मंत्र आपने 7 बार बोलना है, और जब ये आप मंत्र बोल लें 7 बार, उसके बाद आप रहे, आंखें खोलेंगे नहीं, हाथों को हटा लें, जो आपने आसन पकड़ा है, कपड़ा जो भी जिस पर आप बैठे हैं, उसको छोड़ दें, दोनों हाथ हटा लें, दोनों हाथों को जोड़ लें, जैसे आप नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, उस तरीके से प्रणाम वाली अवस्था में, और उसके बाद उस व्यक्ति का 7 बार नाम पुकारें, हल्का हल्का, मौखिक होना चाहिए, मुंह से थोड़ा बाहर, आपके कानों तक आए, बहुत अधिक तेज नहीं, और बड़े प्यार से बोले, बस ये आपने किया, उसके बाद आंखें खोल लें, खड़े हो जाओ जिस स्थान से, ये जो धागा है ये 3 दिन तक आपके हाथ में रहेगा, आज जिस दिन आपने किया, अगले दिन और उसके अगले दिन,
चौथे दिन सुबह स्नान के पश्चात इस धागे को खोलकर आपने किसी भी पौधे पर रख देना है। जो पौधा हो उसकी जड़ पर रख सकते हैं या उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन पौधा हरा होना चाहिए, सूखा हुआ नहीं होना चाहिए और कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए। घर के आंगन में भी है आप डाल सकते हैं, घर के अंदर भी है आप रख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। ये उपाय आपने किया, वो व्यक्ति जिसके लिए भी आपने इसे किया वो खुद खिंचा चला आएगा आपके पास 2 से 3 दिन में। अब लेते हैं आपके मित्रों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक ऐसे ही बहुत ही शक्तिशाली उपाय के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।